हजरत बल दरगाह पर काम करने वाले तमाम ऑफिसर और स्टाफ को सस्पेंड कर दिया गया है। वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दक्षिणा अंद्राबी के ऑर्डर पर तमाम ऑफिसर और स्टाफ को जो है सस्पेंड कर दिया है। अब आपको बता दें कि डॉक्टर दक्षिणा अंद्राबी ने एक सरप्राइज विजिट किया। आप भी जानते हैं कुछ ही दिन पहले जो है ईद उल मिलाद उन नबी जो है वो मनाया जा रहा था, उसी वक्त दक्षिणा अंद्राबी जो है उसी की जब तैयारियां चल रही थी डॉक्टर दक्षिणा अंद्राबी जो है वो वहां पर पहुंचती हैं और ये बिल्कुल उनका एक सरप्राइज विजिट है जिसके बारे में किसी को भी बताया नहीं जाता है कि डॉक्टर दक्षिणा अंद्राबी यानी वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन यहाँ पर आने वाली है। आपने देखा डॉक्टर दक्षिणा अंद्राबी ने जो है वक्फ को लेकर काफ़ी बड़े बड़े डिसीजन लिए। वक्फ बोर्ड के तले उन्होंने काफ़ी ऐसे ऐतिहासिक हिस्टोरिक डिसीजन लिए जो आज से पहले कभी नहीं लिए गए थे। लेकिन अब डॉक्टर दक्षिणा अंद्राबी जो काफी चर्चाओं में रहती है, कुछ लोग उनके खिलाफ बात करते हैं और कुछ कहते हैं कि जो डिसीजन ले रही हैं वो सही है क्योंकि वक्त को एक ऐसी चेयरपर्सन की जरूरत थी। लेकिन अब एक नई कंट्रोवर्सी जो है वो यहां पर क्रिएट हो गई है क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि हजरत बल पर काम करने वाले किसी को इतनी भारी तादाद में, यानी आज से पहले सस्पेंड किया गया होगा किसी एक एम्प्लॉय को, दो एम्प्लॉय को, लेकिन सोर्सेज ये बता रहे हैं कि जब ईद उल मिलाद उन नबी चल रहा था उस वक्त जो है डॉक्टर दक्षिणा अंद्राबी वहां पर सरप्राइज विजिट के लिए पहुंचती हैं, वहां पर काम करने वाले ग्राउंड स्टाफ को वहां से मिसिंग पाती हैं। लोग जो है उन्हें बताते हैं कि इतनी शिकायतें हो रही हैं, इस तरह से हमें इनकन्वीनियंस हो रही है। आप भी जानते हैं कि वो दिन कितना बड़ा था, वो दिन कितना किस लिए जो है लोग मनाते हैं, आप उस दिन की जो है वो खुद से भी जानते हैं कि वो दिन क्यों मनाया जाता है। लेकिन जब सरप्राइज विजिट के दौरान डॉक्टर दक्षिणा अंद्राबी जो वक्फी चेयरपर्सन है वो वहां पर पहुंचती हैं, वो ग्राउंड स्टाफ को वहां पर मिसिंग पाती हैं। आप भी जानते हैं कि हजरत बल श्राइन पर जो है यानी हजरत बल दरगाह पर सब दुआ मांगने आते हैं, वो दिन ही ऐसा है, सब अपने आप को जो है उस दिन में इतना मशगूल करना चाहते हैं ताकि उन पर जो है रहमतें बरसती रहें। लेकिन जब डॉक्टर दक्षिणा अंद्राबी वहां पर पहुंची, उन्होंने ग्राउंड स्टाफ को मिसिंग पाया, जो बाकी स्टाफ था वो वहां पर उस तरह से काम नहीं कर रहा था, जो ऑफिसर्स थे उनकी हिदायत ठीक ढंग से अपने निचले स्टाफ को नहीं दी गई थी, तो डॉक्टर दक्षिणा अंद्राबी जब अंदर एंटर करती है हजरत बल दरगाह के तो वो लोगों से पूछती हैं कि क्या है। लोग उन्हें बताते हैं कि इस तरह की तंगी है, इस तरह की प्रॉब्लम्स है, हमें कोई यहाँ पर कुछ डिसिप्लिन नहीं दिख रहा। तो डॉक्टर दक्षिणा अंद्राबी उन लोगों के कहने पर जो है वो कॉग्निजेंस देती हैं और आपको बता दें कि उन्होंने एक लेटर जारी किया जिस लेटर में तमाम हजरत बल दरगाह में काम करने वाले ऑफिसर्स हैं, उसके साथ साथ स्टाफ है, ग्राउंड स्टाफ है, सबको जो है उन्होंने सस्पेंड कर दिया और एक इंक्वायरी जो है वो बिठा दी है, यानी एक इंक्वायरी बिठा दी है। अब मैं आगे की आपको खबर जिस तरह से मैंने पहले ही कह दिया आपको कि ईद मिलादुल नबी का जो है वो दिन चल रहा था जब सब लोग अपनी अपनी दुआओं में मशगूल थे, हर कोई जो है वो रहमतों और दुआओं के लिए जो है एक दूसरे की दुआओं के लिए, मुल्क की दुआओं के लिए वो जहाँ पर दुआएं कर रहा था, उसी बीच डॉक्टर दक्षिणा अंद्राबी जो है वो वहाँ पर पहुंची, उन्होंने एक सरप्राइज विजिट किया, उन्होंने देखा कंसर्न स्टाफ जो है वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है इनकन्वीनियंस हो रही है, जो है स्टाफ वो काफ़ी ज़्यादा नेग्लिजिबल कर रहा है, लोगों की बात को नहीं सुना जा रहा, लोगों के लिए फैसिलिटी नहीं है। और वक्त चेयरपर्सन ने जो एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, उन्होंने तमाम जो है पूरे स्टाफ को सस्पेंड कर दिया और अब आपको बता दें कि ग्राउंड स्टाफ भी यहाँ पर बताया जा रहा है उसे भी सस्पेंड कर दिया है। अब उन्होंने एक इंक्वायरी जो है बिठा दी है जो इंक्वायरी प्रोब करेगी आखिर इशू क्या था, वो काम क्यों नहीं कर रहे थे। अपने आप में बड़ी खबर, और अगर मैं कहूं एक बार डॉक्टर दक्षिणा अंद्राबी ने फिर से कंट्रोवर्सी को जो है वो हवा दे दी है क्योंकि कई लोग खिलाफ बात करते हैं, कई लोग साथ देते हैं, लेकिन जब से वो वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन बनी है वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, शायद इतना ही कोई चेयरपर्सन सुर्खियों में रहा होगा। एक महिला है तब भी सुर्खियों में आ रही है, लेकिन अब आपको बता दें कि काफ़ी हिस्टोरिक डिसीजन लिया और सबसे कह दूँ कि बड़ा डिसीजन यही है कि पूरे स्टाफ को सस्पेंड कर दिया, तमाम ऑफिसर्स हैं चाहे ग्राउंड स्टाफ है और चाहे स्टाफ है। बड़ी खबर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे उस श्रीनगर के हजरत बल दरगाह से सामने निकल कर आइए।